हम इस वक्त जोशीमठ के सिंहधार इलाके में हैं। लोग अपना सामान ले लेके यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। आप जिनसे बात करें उनके आंसू निकल जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनसे हम बात करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना है सर। सुलोचना जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ। आप भावुक हो रही हैं? हाँ, नहीं हूँ भैया, हमारा तो ना इधर है ना उधर है, एक ही तो घर है मेरे पास, क्या करूँ मैं तो। कुछ सरकार बोल रही, बोल तुम भी विस्थापित बनो, कहाँ बने हम विस्थापित? हमारे पास तो कहीं रहने खाने की जगह तक सामान नहीं है, विस्थापित कहाँ हो गए, हो जाएंगे हम इतने हम विस्थापित हुए, हमारी गाय बच्ची कहाँ जाएंगे? आपके गाय बछड़े वगैरह? हाँ, गाय बछड़े वाले हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, दूसरों के गांव में जाके क्या हम रोजगार कर सकेंगे? पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। अपने गांव में तो चल जाते हैं गुजारा, दूसरों के गाँव में चले जाएगा गुजारा? नहीं चलेगा भैया, हम हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें, कहाँ जाएं? आपके सरकार कह रही है वो मुआवजा देगी, 1.5 लाख रुपए मुआवजा आपके खातों में देगी, बात हुई किसी से आपकी? अभी कोई बात नहीं हुई हमारी किसी से, बस बोल तो रहे हैं पर सुनाई कुछ नहीं है। अभी मैं आपके आपकी मदद के लिए चलूंगा, बात कर लूंगा जाके। तो अभी आपको कब तक बोला है कि घर खाली करना है? अभी तो वैसे तो हमें आदेश अभी नहीं आया, पर 1-2 दिन में बोल देंगे। तो आपकी कागज देखी कहाँ गई थी? कागज नहीं है भैया, एक साड़ी है दिया किसी ने पहनने के लिए ला गई। आपके पास जीवन यापन का भी कोई जरिया नहीं है? कोई जरिया नहीं है भैया, कुछ नहीं है। अभी लोग तो फटाफट उठ के जा रहे हैं, मेरे तो ऐसे ही दम निकलते जा रहे हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? लड़की के रिश्तेदारी में बेचारी भी गरीब है, वो भी कैसे रखेगी मुझे? ये तस्वीरें हैं, सुलोचना जी हैं, बेहद गरीब हैं, और यहाँ इनके बच्चे पत्थर तोड़ते हैं, ये खुद लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करती हैं। जोशीमठ में सिर्फ होटल से आगे भी वो लोग हैं जो गरीब हैं। आप इनके आंसू देखिए, इनको नहीं पता कि ये कहाँ जाएंगे, इनको अपना घर खाली करना है, एक दिन बाद आदेश आ जाएगा घर खाली करना है, इनको नहीं पता ये जाएंगे कहाँ। सरकार ने भी राहत कैंप बनाए हैं, वहाँ जा सकते हैं आप लोग? होटल में गुजारे भैया, 12-13 आदमी एक ही होटल में, किसी की बहू होगी, किसी की बेटियाँ होगी, कोई सास ससुर बहू होंगे, कैसे रह पाएंगे एक होटल में, आप ही बताओ। आप भेड़ बकरियों की तरह घुसा दे रहे अंदर। मेरी तो एक बूढ़ी माँ भी है साथ में, उसको तो 24 घंटा आग चाहिए, मैं उसको होटल में आग कहाँ से लाऊँ, चल भी नहीं पाती है। आप ये कहानियां दर्द की, इनके आंसू देखिए, सुलोचना जी जैसे बहुत सैकड़ों लोग हैं जिनको नहीं पता कि वो जाएंगे कहाँ। होटल में इनके रहने का इंतजाम तो किया गया है, पर वो इंतजाम कब तक रहेगा? कुछ दिन तक, जब तक मीडिया के कैमरे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, खाने के लिए क्या जीवन यापन करेंगे? 1.5 लाख आई भी तो वो क्या 1.5 लाख में नया घर बन जाएगा? तो तमाम सवाल है। और ये आंसू देखिए आप, वाकई में इन लोगों की पीड़ा देख करके आप समझ सकते हैं कि मतलब कुछ लफ्ज नहीं है, ऐसे सामान लेकर के अपने घर छोड़ के जाते हुए लोग। मेरे पास तो गाड़ियों का पैसे का सामान होगा, मेरे पास अपना भी नहीं है, मैं क्या करूँ, गाड़ी तो रखने का तक सामान का पैसे नहीं है मेरे पास। अब यही कहानी है जोशीमठ में। आप बात करिए लोगों से, आप माइक लगाइए, आंसू निकल जाते हैं। अपना गाँव घर छोड़ने की तकलीफ, रोजगार की तकलीफ, खासकर वो गरीब लोग जिनके पास रोज कमाना खाना है, पत्थर तोड़ने वाले लोग, लकड़ी काटकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। 1.5 लाख रुपए क्या पर्याप्त होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम आए हैं, रात कैंपों में गए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका तो बहुत मुश्किल है मुख्यमंत्री तक पहुंचना, SDM तक पहुंच जाए, वही इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो फिलहाल इन आशयों के साथ ये रिपोर्ट, सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।